मेवात के बसईमेव गांव में विवाहिता महिला की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, 5 महिलाओं सहित 10 के खिलाफ हुआ केस दर्ज। बता दें, नुहू जिले के थाना रोजकामेव के अंतर्गत गांव बसई में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मृत्यु होने का मामला सामने आया, जबकि पीड़ित पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में 5 महिलाओं सहित 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि असलूप निवासी भुजपुरी खुर्द थाना हाथी ने शिकायत दी है कि वे उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 2014 में बेटी हंसीरा की शादी बसई थाना रोजकामेव के रहने वाले तुरफैन के साथ की थी। क्या नाम है? इनामुल हसन है जी। हमारी लड़की की मृत्यु कर दी गई और हत्या की है जी। हाँ, कब का मामला था ये? 17 तारीख को मृत्यु कही है, इनकी हत्या की है और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा था, इन्होंने साजिश के तहत मारी है। क्या लड़ाई झगड़ा था ये तो हमें कंफर्म नहीं, हमें तो इत्तला भी ली, पता लगा। हमें तो बिचौला ने बताया कि, और उन्होंने तो खुद ने फोन भी नहीं किया कि आपकी लड़की या लड़ाई में है या उनको मार दिया गया है। इनको क्या इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, इससे पहले कोई झगड़ा नहीं था। 2 दिन पहले इनके भाई और इनके वालिद साहब गए थे इनसे मिलने, और उनसे बताया गया कि कुछ झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई अब इसके बाद नहीं होगा। और बच्ची ने इनकी मीटिंग को सुना है, बच्ची ने बताया कि पिताजी के इन्होंने मशवरा किया है, मैंने अपने कानों से सुना है, तो उनके पिताजी बोले कि बेटी कोई बात नहीं, इनसे हमने बातचीत कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम, 4 बच्चे थे, लड़की का नाम हंसीरा था जी, हूचपुरी गांव की लड़की थी और उनके पिता का नाम असलूप है जी। तो अब पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, और हाँ अभी तक तो अभी कोई बयान नहीं, ऐसा आश्वासन ही दे रहे हैं, और हमें तो भाई न्याय चाहिए। और कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी, हमें न्याय चाहिए जी, और ये दोषी हैं जो ये बख्शे नहीं जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? 9-10 आदमी है जी। दिनांक 18/2/2024 को कंट्रोल रूम नू शीतला मिली की गांव बसी में एक औरत ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है, जिसकी कार्रवाई के लिए मैं मौका पर पहुंचा टीम को लेकर। वहां से परिजनों ने लेडीज को रस्से से नीचे लौटा कर रखा था, तो उनके वारिसान, लड़की के वारिसान आए, उन्होंने कंप्लेंट दी, मैंने उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। आज पोस्टमार्टम के लिए नल्लड लेकर आया हूँ, बात करवा कर पोस्टमार्टम मिट्टी लगाने के लिए वारिसान के डेड बॉडी हवाले कर दिया जा रहा है। परिजनों का ये आरोप लगा है भाई हमारी लड़की इन्होंने मारी है। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की 29 साल उम्र थी। और बच्चे? 4 बच्चे हैं। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 148, 159, 323, 506, 302 IPC में मुकदमा दर्ज करा है। तो अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।